For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss an update from Bollywood Spy. अजय देवगन और इलियाना डी क्रूज की दोस्तों फिल्म आ रही है जिसका नाम है रेड। इसका सबसे पहला गाना आया था सानू एक पल चैन ना आवे। सुनने में वो गाना बहुत अच्छा था लेकिन मैं थोड़ा सा खफा था उस गाने से। क्यों? क्योंकि उसकी वीडियो में उतना ज्यादा रोमांस नहीं दिखाया था। लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ दोस्तों। क्यों? क्योंकि नित खैर मंगा सॉन्ग आ गया है। मैं बात कर रहा हूँ रेड फिल्म के अगले सॉन्ग की दोस्तों, जो कि रिलीज हो चुका है। सुनने में माशाल्लाह क्या गजब का सॉन्ग है, लेकिन इसकी वीडियो सोने पे सुहागा है। चलिए बात करते हैं इस सॉन्ग के बारे में कि क्या है खास, क्या आप इस सॉन्ग को बार बार सुन सकते हैं या नहीं। चलिए बात करते हैं कि गाने में क्या है खास। गाने में सबसे खास तो है राहत फतेह अली खान साहब की आवाज। क्या गाया उन्होंने, उनकी आवाज है ना दिल तक छू जाती है, मतलब दिल को छेद कर देती है। इसे रिक्रिएट किया है दोस्तों तनिष्क बागची ने। तनिष्क बागची ने भी बहुत अच्छा रिक्रिएट किया है, लिखा है इसे, पेन डाउन किया है मनोज मुत्तसर ने दोस्तों। ये फिल्माया गया है अजय देवगन और इलियाना डी क्रूज के बीच में। मुझे लग रहा है ये जो सॉन्ग है ये तब आएगा जब अजय देवगन का जो कैरेक्टर है वो नया नया लखनऊ में आएगा। लखनऊ में वो घूम रहे हैं, इधर उधर मस्ती कर रहे हैं, अपने रोमांस को जो है और आगे एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों इसमें यूपी की बहुत ज्यादा सुंदर लोकेशंस है, स्पेशली वो दरगाह और स्पेशली वो जो सीढ़ियां जहां पर अजय देवगन का कैरेक्टर और इलियाना डी क्रूज का कैरेक्टर मौज मस्ती कर रहा है। एक बात जो मैंने नोटिस करी इस गाने में दोस्तों ये है कि ये जो सॉन्ग है ये फुट टैपिंग सॉन्ग है। ये रोमांटिक सॉन्ग तो है, साथ ही साथ फुट टैपिंग भी है। क्यों? क्योंकि इसके जो पीछे बीट्स बज रही है ना दोस्तों, आपके पैर अपने आप थिरकने लग जाएंगे। आई एम श्योर ये आगे आने वाले दिनों में डीजे फ्लोर पे जरूर बजेगा। क्यों बजेगा? क्योंकि ये बनाया है इसलिए। आप अगर देखेंगे ना, इसके एक तो कैची लाइंस हैं, प्लस इसके अल्फाज जो है बहुत ज्यादा कैची हैं, प्लस साथ ही साथ इसका बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे में डेफिनेटली ये रिमिक्स होकर ये जरूर डीजे फ्लोर पे बजेगा और लोग दीवानों की तरह इस पर डांस करेंगे। वेल, पूरे सॉन्ग की बात करूं तो मैं इसे 5 out of 5 देना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो सॉन्ग है ये उम्मीदों पर खरा उतरता है। इसमें रोमांस दिख रहा है, इसमें अच्छी लोकेशन दिख रही है, इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है और गाया तो माशाल्लाह क्या गाया है। ऐसे सॉन्ग्स प्लीज निकालते रहिए ताकि हमारी क्यूरियोसिटी जो फिल्म के प्रति है वो बनी रहे। एंड आपको कैसा लगा ये मुझे बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। जैसा भी लगा सॉन्ग, नीचे कमेंट सेक्शन आपका है, इस्तेमाल कीजिए।